गुना विधानसभा ऐतिहासिक मतों से जीतेगी भाजपा, मंजू त्यागी। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल मंजू त्यागी। उत्तर प्रदेश से आए विधायक मंजू त्यागी ने गुना विधानसभा के चारों मंडलों में किया प्रवास। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का 7 दिवसीय प्रदेश व्यापी विधायक प्रवास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश की समस्त 230 विधानसभाओं में विभिन्न राज्यों से आए विधायकगण प्रदेश की प्रत्येक विधानसभाओं में प्रवास कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत मुझे भी गुना विधानसभा का पर्यवेक्षक बनाकर भेजा है और मेरे द्वारा गुना विधानसभा के चारों मंडलों के बूथ कार्यकर्ता एवं शक्ति केंद्र की टोली व वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से जुड़ने का मौका मिला है। प्रवास के दौरान मुझे कार्यकर्ताओं के साथ आम जन में भारी जोश और उत्साह देखने को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज मामा से यहाँ की जनता खुश है। प्रदेश के सभी लाडली बहना मामा से खुश हैं, जिनको हर माह 1,000 रुपये मिल रहा है। निश्चित ही 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। साथ ही गुना विधानसभा में हम सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम के बल पर भारी मतों से जीत दर्ज कराकर पुनः इतिहास रचेंगे। उक्त बात उत्तर प्रदेश के श्रीनगर खीरी विधानसभा क्रमांक 140 से आए विधायक मंजू त्यागी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। पत्रकार वार्ता में जिला संगठन प्रभारी गोपाल आचार्य, विजय वर्गीय, जिला उपाध्यक्ष दोए रविंद्र रघुवंशी आदि कई लोग मौजूद रहे। भारती हमारा संगठन विश्व का नंबर 1 संगठन, हमारी पार्टी पंचायती पार्टी है और सिंधिया महाराज जी हो या मामा जी हो, हमारे लिए दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जिसको टिकट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी विजय पताका यहाँ से फहरा के देगी। जगह आप घूमिए, क्या फीडबैक मिला? फीडबैक मुझे बहुत अच्छा मिला। मैंने आपको बहुत सारे शब्दों में बताया है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गुना में इतना हाई लेवल है कि मैं जहाँ गई हूँ हजारों की संख्या से, अगर मैंने लाडली बहन को बुलाया है वहाँ पे तो हजारों की संख्या में मेरे साथ उपस्थिति उनकी हुई। मैं सारी बहनों से मैंने पूछा है कि आपको क्या मिला है क्या नहीं मिला है, तब भी वो कहती है मुझे कुछ अगर नहीं मिलता है तब भी मैं कमल के फूल को वोट करूंगी और मामा जी को मुख्यमंत्री बनाऊंगी। कार्यकर्ता मौजूद रहा है और सारे लोगों को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जो कार्यशाला है वो सिखाई है। मैं उम्मीद करती हूँ, विश्वास करती हूँ कि आप सब ये विश्वास के साथ कि हमारी गुना विधानसभा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार दोबारा जरूर बनेगी और मैं ये वादा करती हूँ कि गुना विधानसभा आप इन कार्यकर्ताओं के सहारे और हमारे विधायक जी और पूरे जिले की कार्यकारिणी से आप नंबर 1 पे जिले में गुना विधानसभा निकलने वाली है। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए आप सबको धन्यवाद कहती हूँ और अपने केंद्रीय नेतृत्व सारे पत्रकार मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मैं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर जिले से श्रीनगर विधानसभा दूसरी बार विधायक हूँ और मैं प्रभारी बना के आपके गुना विधानसभा में भेजी गई हूँ। पर्यवेक्षक के रूप में मैं काम कर रही हूँ और जो 5-6 दिन से हमारा काम जन जन तक जाना, हमारे कार्यकर्ता से मिलना, वरिष्ठ जनों से मिलना और गुना के हर ऐसे सम्मानित व्यक्ति से चर्चा करना कि कैसे हम अपनी भारतीय जनता पार्टी सरकार को दोबारा मध्य प्रदेश में लाएं और बढ़ चढ़ के सारी सीटों पे अपनी विजय पताका फहराएं। आपके बीच में मेरा बैठना हुआ तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि जिस विधानसभा का मुझे दायित्व मिला है उस विधानसभा के कार्यकर्ता और हमारे विधायक वास्तव में कार्यकर्ताओं का तो जवाब नहीं, इतने अच्छे हैं, इतने कर्मठ हैं और चारों मंडल अध्यक्ष इस विधानसभा के हर एक मंडल में एक सैनिक तैयार है। भारतीय जनता का पार्टी का कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता ये कैंडिडेट को नहीं देखते, भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम करते हैं। कार्यकर्ता अपनी ईमानदारी से काम करता है। कैंडिडेट कौन चुनाव लड़ने आ रहा है इसके विषय में हम लोग नहीं सोचते हैं। हम लोग एक ईमानदार कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी हमारी कैसे बढ़े, चुनाव हमारा कैसे और अच्छा हो, इस उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ
कि गुना विधानसभा हम बब्बर रोडों से जीतने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में मामा जी फिर से शिवराज मामा जी आपके मुख्यमंत्री बने। क्या गुना जिले में चुनाव के बाद में लोगों को ये फैक्ट्रियां आज तक नहीं मिली है, रोजगार की समस्या है, उसके लिए कोई आगे देखने को मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर व्यक्ति की चिंता करती है और हर व्यक्ति की चिंता करने में ये जो आपने सवाल किया है ये भी आता है। मध्य प्रदेश में चुनाव है, फिर लोकसभा का चुनाव है, आप दोनों विधानसभा, ये मध्य प्रदेश का चुनाव हम प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं और देश में अपने योग्य मोदी जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को फिर से रिपीट करने जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि जो आपकी ये सवाल है इनका जवाब आगे तक आपको मिल जाए। धन्यवाद। मुद्दे वगैरह कुछ नहीं होंगे इस बार।